गुड मॉर्निंग। आज हम पेरीडर्म क्या है और पेरीडर्म किस प्रकार से निर्मित होती है वह हम स्टडी करेंगे। पेरीडर्म का निर्माण कोर कैम्बियम या फेलोजन, जो कि एक लेटरल मेरिस्टेम है, और इसके विभाजन से जो टिश्यू निर्मित होता है उसे ही हम पेरीडर्म कहते हैं। कोर कैम्बियम, जिसे हम फेलोजन भी कहते हैं, इसका बनना स्टिलर क्षेत्र के बाहर परिधीय क्षेत्र में स्थित हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स की सेल्स के द्वारा होता है, जो पुनः मेरिस्टेमेटिक हो करके कोर कैम्बियम को निर्मित करती है। क्योंकि यहाँ पर कॉर्टिकल सेल्स, जिसे हम वल्कुट कोशिकाएं या हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं पुनः मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतकी हो जाती है, यह प्रक्रिया डी डिफरेंटिएशन कहलाता है। तो डी डिफरेंटिएशन के उपरांत यह सेल्स एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम फेलोजन या कोर कैम्बियम कहते हैं, को निर्मित करती है। क्योंकि यह प्लांट्स के परिधीय क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात रंभीय क्षेत्र के बाहर, स्टिलर क्षेत्र के बाहर पाई जाती है, तो इसके द्वारा होने वाली द्वितीयक वृद्धि को एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं, बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि भी कहते हैं, या हम यह कह सकते हैं कोर्क कैम्बियम द्वारा द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ बाय कोर कैम्बियम, या पेरीडर्म का बनना कहते हैं। तो इस प्रकार पेरीडर्म का निर्माण कोर कैम्बियम या फेलोजन, जो कि विभज्योतकी उत्तक हैं, उससे पेरीडर्म का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ पेरीडर्म, यह बाह्य रंभीय क्षेत्र में बनता है। इसका बनना रंभीय क्षेत्र के बाहर स्थित क्षेत्र हाइपोडर्मिस या कॉर्टिकल सेल्स द्वारा होता है, जो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, अर्थात हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स की कुछ आउटर सेल्स एक्टिवली डिवाइड करने लगती है और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम बनाती है। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कोर कैम्बियम या फेलोजन कहते हैं। कोर कैम्बियम की सेल्स पेरिक्लिनल या परिणतिक विभाजन द्वारा अपने बाहर तथा अंदर की ओर नई सेल्स निर्मित करता है। कोर कैम्बियम के बाहर की ओर जो कोशिकाएं या सेल्स निर्मित होती है वे कॉर्क बनाती है। कॉर्क को हम फैलम भी कहते हैं। इसी प्रकार कोर कैम्बियम के अंदर की ओर पेरेनकाइमेटस सेल्स परिवर्धन द्वारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। कोर कैम्बियम तथा इसके द्वारा निर्मित उत्तकों, जो कि बाहर भी बन रहे हैं और अंदर भी बन रहे हैं, बाहर की ओर कॉर्क और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, को सम्मिलित रूप से हम पेरीडर्म कहते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो स्ट्रक्चर ऑफ पेरीडर्म के अंतर्गत आता है। स्ट्रक्चर ऑफ पेरीडर्म, पेरीडर्म का निर्माण जो उच्च पौधे हैं, जिनमें वुडी प्लांट्स के जो ओल्ड स्टेम तथा रूट्स की सतहों पर पाया जाता है, यह निम्न प्रकार से तीन टिश्यूज का बना होता है। तो पेरीडर्म में फेलोजन या कोर कैम्बियम
दूसरा टिश्यू फैलम या कॉर्क और तीसरा जो टिश्यू है फैलोडर्म, जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम पेरिडर्म में रखा जाता है। तो पेरिडर्म का अर्थ यह है कि ये तीन विभिन्न प्रकार के ऊतकों का समूह है, जिसे हम पेरिडर्म कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं फैलोजन या कॉर्केम्बियम। जैसा कि भी बताया था कि यह सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यह लिविंग है, परमानेंट है, और पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्राई कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के पुनः विभज्योतिकी यानी डी डिफरेंटिएशन हो जाने से बनता है। अर्थात ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही फैलोजन कहलाती है। वेस्कुलर कैम्बियम की तुलना में फैलोजन की स्ट्रक्चर अत्यंत सिंपल है, इसमें केवल एक ही प्रकार की सेल्स पाई जाती है। जैसा कि वेस्कुलर कैम्बियम में दो प्रकार की सेल्स होती थी, जिन्हें हम फ्यूशीफॉर्म इनिशियल्स तथा रे इनिशियल्स कहते हैं, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ फैलोजन या कोर कैम्बियम बहुत ही सरल है और इसमें केवल एक ही प्रकार की सेल्स होती है, और वह सेल्स आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, एक्टिव है, और इस इनके बीच में किसी प्रकार का कोई खाली स्थान नहीं पाया जाता, अर्थात इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। तो हम वापस इसको पुनः बताते हैं, कोर कैम्बियम की सेल्स कैसी है। थिन वॉल, थिन सेल, थिन है सेल, वॉल युक्त हैं, लिविंग हैं, रेक्टेंगुलर हैं और सक्रिय हैं, तथा इंटरसेल्युलर स्पेस रहित होती है। इसका फिगर हम देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा। देखिए ये फैलोजन है, ये देखिए सेल्स दिखाई दे रही है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, और फैलोजन में जब पेरिनेटिक विभाजन हुआ, पेरिकलिन डिवीजन हुआ, तो बाहर की ओर फैलम निर्मित हो रहा है और अंदर की ओर फैलोडर्म निर्मित हो रहा है। ये फैलोडर्म है जिन्हें हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। तो फैलोडर्म, फैलोजन तथा फैलम, इन तीनों को सम्मिलित रूप से पेरिडर्म में रखा जाता है। यहाँ बताया गया है डायग्राम में फैलोडर्म, फैलोजन, फैलम, और ये ब्रैकेट लगा है पेरिडर्म। फैलोजन दोनों ओर अंदर व बाहर की ओर नई सेल्स का निर्माण करती है। कोर कैम्बियम की सेल्स में डिवीजन कैम्बियम रिंग की सेल्स के समान ही स्पर्श रेखीय तल पर होता है। प्रत्येक सेल्स के विभाजन से दो डॉटर सेल्स बनती है, जिनमें से एक मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है तथा दूसरी सेल से परमानेंट टिश्यू बनता है। प्राय कोर कैम्बियम अपने अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स की अपेक्षा बाहर की ओर कॉर्क की अधिक मात्रा उत्पन्न करता है। बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है, वेस्कुलर कैम्बियम में जब डिवीजन हुआ तो वह अंदर की ओर ज़्यादा एक्टिव था, जिससे सेकेंडरी जाइलम की मात्रा अधिक बनती थी और सेकेंडरी फ्लोएम की मात्रा कम बनती। लेकिन यहाँ पर उसके कंपेरिजन में यहाँ पर जस्ट रिवर्स है कि जब कॉर्क कैम्बियम जब डिवाइड होता है तो बाहर की ओर अधिक मात्रा में टिश्यू बनाता है और अंदर की ओर कम मात्रा बनाता है। इस प्रकार कॉर्क की मात्रा अधिक बनती है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की मात्रा कम बनती है। अब हम आते हैं कॉर्क में, सेकेंड पॉइंट है कॉर्क या फैलम। कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर जो निर्मित परमानेंट सेल्स है वह फैलम का निर्माण करती है, और फैलम की सेल्स बहुत ही डेंस कॉम्पैक्ट है, और जब यह मैच्योर होती है तो इसमें प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है और यह डेड हो जाती है। प्रारंभ में इन सेल्स की भित्ति पर सेल्युलोज का डिपोजिशन होता है, जो पुनः ही सुबेरिन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, अर्थात सुबेरिन का जमा हो जाता है, जिससे ये सेल्स वाटर और गैसों के एक्सचेंज के लिए इम्परमिएबल बन जाती है, और यह साथ ही साथ ऊष्मा रोधी भी होती है। बोतलों में लगाने वाला जो कॉर्क है वह हमें क्वेरकस सुबर से प्राप्त होता है। क्वेरकस सुबर, आपको ये याद रखना है, क्वेरकस की स्पेलिंग में पढ़ रहा हूँ, QUERCUS, क्वेरकस सुबर। इसी प्लांट से जो बोतलों में जो कॉर्क लगाया जाता है वो इससे प्राप्त किया जाता है, क्वेरकस सुबर। इसे हम ओक ट्री कहते हैं। अब हम थर्ड जो टिश्यू है वो है फैलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यह कोर कैम्बियम द्वारा अंदर की ओर निर्मित परमानेंट सेल्स हैं, जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सेल्स लिविंग है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इंटर सेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। यह अंदर की ओर
प्राइमरी कॉर्टेक्स की सेल से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार ये तीनों जो टिश्यू है इनको सम्मिलित रूप से पेरिडर्म कहते हैं। तो इस प्रकार पेरिडर्म का निर्माण कैसे होता है, पेरिडर्म क्या होता है, और इसका हम फिगर एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए, ये सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर ये फेलम आ गया, कॉर्क है, और ये फेलोजन आ गया, फेलोडर्म आ गया, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है जो कि प्राइमरी कॉर्टेक्स नीचे की तरफ इससे जुड़ जाता है। थैंक यू।